हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 3 हिंदी। हिंदी में है आपके चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो हमने पहले पढ़ा था, 4 नंबर पे है आपके स्वर्ग का सुख। ठीक है, आज हम स्केच करते हैं। इसके हमने किए थे अभ्यास प्रश्न। आज हम अभ्यास प्रश्न के आगे जो है पेज नंबर 25 पर आपके है। पहले खाली स्थान भरिए, फिर कहानी के अनुसार वाक्य को सही क्रम में लिखना है, फिर पर्यायवाची शब्द है, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये सारे आज हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं खाली स्थान भरिए। खाली स्थान में नंबर 1 पर है ताल में, यहाँ पे रिक्त स्थान है आपके, एक का एक परिवार रहता था। ताल में हंसों का एक परिवार रहता था। माता, सेकंड नंबर पे है माता पिता की बातें सुनकर, यहाँ पे आपके रिक्त स्थान है, को बहुत हैरानी हुई। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, राजहंस को। क्या लिखना है, राजहंस को। उसके बाद में है नंबर 3 में है रिक्त स्थान है, वहाँ पर आपको लिखना है वृक्ष के नीचे एक छोटा सा ताल था। उसके बाद में है नंबर 4 ताल में रिक्त स्थान है, पथके तैर रही थी। उसके बाद में है नंबर 5 झील के, फिर यह रिक्त स्थान, करने से ही उनकी थकान दूर हो गई, यानी कि झील के दर्शन करने से ही उनकी थकान दूर हो गई। फिर उसके बाद में आपके है कहानी के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में दीजिए, यानी कि जो कहानी आपने पढ़ी थी उसमें से ये वाक्य दिए गए हैं, और ये वाक्य जो है ऊपर नीचे दिए गए हैं, तो इनको आपको सही क्रम में जो है लगाना है, सही क्रम में लगाना है। तो मैं पहले सारे वाक्य पढ़ती हूँ। पहले पे है राजहंस की सारी चिंता दूर हो गई। दूसरा है सूर्य अस्त होने लगा और राजहंस एक विशाल वृक्ष की टहनी पर उतरा। तीसरे नंबर पर है शुक्र ताल में हंसों का एक परिवार रहता था। चौथे नंबर पर है अब हमारे पंखों में शक्ति नहीं रही। पाँचवें नंबर पर है पिता को राजहंस ने और माँ को दूसरे हंस ने अपनी पीठ पर बैठा लिया, वे सब मानसरोवर पहुँच गए। तो यानी कि ये सेंटेंस जो है, वाक्य ये सही नहीं है, आपको सही क्रम में लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है आपके आएगा जो नंबर 3 पर है, शुक्र ताल में हंसों का एक परिवार रहता था, ये वाक्य जो है सबसे पहले आएगा नंबर 1 पे। ठीक है, उसके बाद में है अब हमारे पंखों में शक्ति नहीं रही, ये आएगा नंबर 2 में। ठीक है, उसके बाद में है सूर्य अस्त होने लगा और राजन से एक विशाल वृक्ष की टहनी पर उतरा, ये है नंबर 3 पे। फिर है नंबर 4 पे आएगा आपके पिता को राजन ने और माँ को दूसरे हंस ने अपनी पीठ पर बैठा लिया, ये है आपके नंबर 4 में। और यह नंबर 5 पर राजहंस की सारी चिंता जो है दूर हो गई और वे मानसरोवर पहुंच गई है लास्ट पर। ठीक है, ऐसे आपको क्रम से लिखने हैं। उसके बाद में है आपके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में आपको ये जो शब्द दिए गए हैं इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहला है आपके सुंदर। सुंदर का आप क्या लिखोगे, मनोहर लिखोगे, और आप रमणीय भी लिख सकते हैं, जो आपके चैप्टर में शुरुआत में आपके आया है रमणीय। तो रमणीय का मतलब भी होता है सुंदर, जो सबसे पहले पैराग्राफ में आपके आया है, रमणीय या सुंदर। ठीक है, उसके बाद में है बेटा। बेटा का आपको लिखना है पुत्र। सूत भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है पानी। पानी का आपको पता है जल, नीर, कुछ ये नीर भी लिख सकते हैं, जल भी आपको आसान बताया है जल। ठीक है, उसके बाद में है नंबर 4 पेड़। पेड़ का आपको लिखना है वृक्ष। तरु भी होता है, आपको एक एक ही करने हैं। माता का माँ, जननी, अम्बा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आप सिर्फ माँ लिखना। ठीक है, उसके बाद में है नंबर 6 पर इच्छा। इच्छा का आपको लिखना है कामना। चाह भी होता है, आप काम आपको लिखना है कामना। ठीक है, उसके बाद में है नंबर 7
सूर्य, सूर्य का आपको लिखना है सूरज। वैसे तो रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर बहुत होते हैं, आप लिखोगे सूरज, सूर्य का सूरज। उसके बाद में है रात्रि, रात्रि का आपको लिखना है रात, रजनी, निशा, लेकिन आप लिखोगे रात, ठीक है, एक एक ही लिखना है आपको, कोई भी एक। उसके बाद में है आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि यहाँ पे अनेक शब्द दिए गए हैं, तो इन अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द यानी कि वन वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पहला है आपके जो विज्ञान का विशेष ज्ञाता हो, उसका आपको लिखना है। ऊपर जो है आपके बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स में जो है हेल्पिंग वर्ड दे रखे हैं, यानी कि आपको इसमें से देख कर भरना है। तो जो विज्ञान का विशेष ज्ञाता हो, आपको लिखना है वैज्ञानिक। नंबर टू, जो दर्शन का ज्ञाता हो, तो आपको लिखना है दार्शनिक। जो उल्लेख करने योग्य हो, आपको लिखना है उल्लेखनीय। उसके बाद में जो लोक में प्रिय हो, आपको लिखना है लोकप्रिय। नंबर फाइव पर है जो देखने योग्य है हो, आपको लिखना है दर्शनीय, ठीक है। जो देखने योग्य होता है वो होता है दर्शनीय। जो इतिहास की जानकारी रखता हो, उसमें आपको लिखना है इतिहास वेन्ता, ठीक है। इतिहासकार भी होता है। उसके बाद में है आपके पेज नंबर 26 पर, जिसमें आपको समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। तो यानी कि ये जो जैसे कि झील, तो ये झील जैसी ध्वनि वाला कोई दूसरा शब्द जो है आपको लिखना है। तो ये झील, झील की समान ध्वनि है कील। नंबर टू पे है ताल, ताल की समान ध्वनि क्या आ रही है जाल। दादी, दादी की समान ध्वनि, यानी कि जो ये शब्द है दादी से मिलते जुलते ध्वनि वाला आपको शब्द, यानी कि इसी के साउंड का जो शब्द है आपको लिखना है, ठीक है। दादी, शादी, पानी, वानी, शक्ति, भक्ति, थकान, मकान, सुख, दुख, यानी कि जो साउंड जो है एकदम एक समान आ रहा है वैसे ही आपको समान ध्वनि वाला लिखना है। टाला, ताला, साथ, नाथ, छोटा, मोटा, ठीक है, ऐसे ही आपको समान ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं, ये भी आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। उसके बाद में है आपके लास्ट जो है रचनात्मक कार्य है, ये पेज नंबर 26 पर ही है। इसमें दिया हुआ है मानसरोवर के सुंदर दृश्य का वर्णन इंटरनेट की सहायता से 7-8 वाक्यों में कीजिए। ये आपको इसी बुक के अंदर ही लिखना है, यानी कि आपको 7-8 जो लाइन है आपको वाक्य, छोटे छोटे वाक्य आपको लिखने हैं, ठीक है, इंटरनेट की सहायता से। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चों।